कक्षा 10th, कक्षा 10th विषय संस्कृतम। आज हम पाठ संख्या 6 महाराणा प्रताप पाठ के शब्दार्थ पहले करेंगे। क्या करेंगे? शब्दार्थ। सबसे पहला है उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्ग परंपराया। उत्सर्ग परंपराया का मतलब होता है त्याग की परंपरा। क्या होता है? त्याग की परंपरा। उत्सर्ग परंपराया का मतलब क्या होता है? त्याग की परंपरा। अगला है उद्भव भूमि, उद्भव भूमि। उद्भव भूमि का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान। क्या होता है? उत्पत्ति स्थान, यानी जहां से उस किसी व्यक्ति की उत्पत्ति होती है वो उसके क्या होता है? उद्भव भूमि होती है। नंबर 3 है सूराणाम। क्या है? सूराणाम। सूराणाम का मतलब होता है वीरू की। सूराणाम का मतलब क्या होता है? वीरू की। सूराणाम का मतलब क्या होता है? वीरू की। नंबर 4 पे दिया हुआ है यूनान। यूनान का मतलब होता है युवकों की। यूनान का मतलब होता है युवकों की, या शांत पे लिख दो के, युवकों के। उसके बाद नंबर 5 पे दिया हुआ है आत्महत्या, यानी बलिदान। आत्महत्या का मतलब होता है बलिदान। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? बलिदान। नंबर 6 पे दिया हुआ जगती, यानी संसार में। जगती यानी संसार में, संसार में। नंबर 7 पे दिया हुआ है कुशल सेनानी, यानी कुशल सेनापति। कुशल सेनानी का हिंदी अर्थ होता है कुशल सेनापति। कुशल सेनापति यानी मुख्य सेना का संचालन करने वाला, जो पूरी सेना का नेतृत्व करता है उसको कुशल सेनानी या कुशल सेनापति कहते हैं। विमुखा यानी विपरीत। विमुखा का मतलब होता है विपरीत या विमुख। विपरीत या विमुख। नंबर 8 पे दिया हुआ है सहायम, यानी सहायता को। सहायम यानी सहायता को, सहायता को। सहायम यानी सहायता को। विधाय यानी करके। नंबर 10 पे दिया हुआ है विधाय यानी करके। विधाय का मतलब होता है करके। विधाय का मतलब क्या होता है? करके। उसके बाद आक्रांता भी यानी आक्रमणकारियों द्वारा। नंबर 11 पे आक्रांत्री भी यानी आक्रमण कारियों के
द्वारा, यानी आक्रांत्री भी का मतलब होता है आक्रमणकारियों के द्वारा, ठीक है। अधिगृहितानि, अधिगृहितानि अगला है, अधिगृहितानि का मतलब होता है अधिकार में कर लिया गया, अधिकार में कर लिया या अपने वश में कर लिया। अधिकृतान का मतलब क्या होता है, अपने अधिकार में कर लिया या अपने वश में कर लिया। आरभे यानी आरंभ किया, नंबर 13 पे है आरभे, आरभे यानी आरंभ किया या किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आरभे। किसी चीज को शुरू करना उसको क्या कहा जाता है, आरभे, ठीक है। अब उसके बाद में हस्तच्युतान, हस्तच्युतान, हस्तच्युतान यानी नियंत्रण से बाहर, नियंत्रण से बाहर या हाथ से जो निकल जाता है उसको भी हम क्या कहते हैं, हस्तच्युतान, ठीक है। अति क्षति यानी अत्यधिक हानि, नंबर 5-15 पे दिया हुआ है अति क्षति यानी अत्यधिक हानि, अत्यधिक हानि, अति क्षति यानी अत्यधिक हानि है, ठीक है। विघटिता यानी बिखर गई, नंबर 16 पे विघटिता, विघटिता यानी बिखर गई, बिखर गई यानी किसी चीज, कोई चीज खिंड जाना, वो क्या होता है, विघटिता, ठीक है। उसित्वा यानी रह करके, नंबर 17 पे उसित्वा, उसित्वा यानी रह करके, रह कर के, उसित्वा यानी रह करके। अब आपको मैं आज इस पाठ के 17 कठिन शब्दार्थ कराया हूँ, आप लोगों का काम है इन शब्दार्थों को ध्यान से सावधानी पूर्वक तैयारी करना, ताकि कल मैं इस पाठ के एक एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद कराना चालू करूँ तो आप उसे सरलता से समझ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।